क्या हो अगर आज आप जो भी रुकावटें देखते हैं वो एक सुनहरे मौके में बदल जाए। सोचिए, हर सुबह उठें, आगे आने वाली चुनौतियों से डरे नहीं बल्कि उनका सामना करने के लिए उत्साहित हों। यह हकीकत आपके हाथ में है। इसका राज इस बात में छिपा है कि आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। हम जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ जाती है। जब हम अपना ध्यान समाधान और संभावनाओं पर केंद्रित करते हैं तो हमारे सामने एक नई दुनिया खुल जाती है। नजरिए में यह साधारण बदलाव जीवन बदलने वाला हो सकता है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने 2000 साल पहले इस गहरे सच को समझा था। आज हम उनकी शिक्षाओं का पता लगाएंगे और जानेंगे कि हम अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को विकास और सफलता की सीढ़ी में कैसे बदल सकते हैं। क्या आप यह कदम उठाने के लिए तैयार हैं? एपिक्टेटस अमीर घराने में पैदा नहीं हुए थे। दरअसल उन्होंने प्राचीन रोम में एक गुलाम के रूप में अपना जीवन शुरू किया था, लेकिन इस साधारण शुरुआत ने उन्हें इतिहास के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक बनने से नहीं रोका। गुलामी से रश्य तक का उनका सफर मानव आत्मा की शक्ति और ज्ञान के परिवर्तनकारी स्वभाव का प्रमाण है। अपनी परिस्थितियों के बावजूद उन्हें ज्ञान की अतृप्त प्यास थी। वे भाग्यशाली थे कि उन्हें उस समय के एक प्रसिद्ध दार्शनिक मुसोनियस रूफस के तहत स्टोइक दर्शन का अध्ययन करने का अवसर मिला। अपनी आजादी हासिल करने के बाद एपिक्टेटस ने अपना जीवन दर्शन को पढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके शब्दों को उनके छात्र एरियन ने दर्ज किया, जिससे उनकी बुद्धिमता आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो गई। उनकी मुख्य कृति द डिस्कोर्सेस, साथ ही छोटी एंचिरिडियन या हैंडबुक, आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उन पर अपनी प्रतिक्रियाओं पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है। आइए जानें कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए इस ज्ञान को कैसे लागू कर सकते हैं। एपिक्टेटस ने कहा, यह उम्मीद मत करो कि चीजें जैसी तुम चाहते हो वैसे ही हो, बल्कि यह चाहो कि वे जैसी होती हैं वैसे ही हो। यह उद्धरण उनके दर्शन के सार को दर्शाता है। यह शिक्षा हमारी इच्छाओं को वास्तविकता के साथ जोड़ने के बारे में है। सच्ची शांति वास्तविकता को स्वीकार करने से मिलती है। यह हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करने के बारे में है। यह संभावित निराशाओं को शांति में बदल देती है। एपिक्टेटस के ज्ञान को लागू करने का एक व्यवहारिक तरीका अपनी टू डू लिस्ट को गेट टू डू लिस्ट में बदलना है। भाषा में इस सरल बदलाव का आपकी मानसिकता और प्रेरणा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। कार्यों को बोझ के रूप में देखने के बजाय आप उन्हें अवसरों के रूप में देखना शुरू करते हैं। मुझे काम पर जाने को मिलता है, यह एक सौभाग्य बन जाता है। नजरिए में यह बदलाव सांसारिक कार्यों को भी कृतज्ञता और प्रेरणा के स्रोतों में बदल सकता है। एपिक्टेटस के दर्शन को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए भव्य इशारों या नाटकीय परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं है। यह इस बारे में है कि हम रोजमर्रा की स्थितियों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें छोटे लगातार बदलाव किए जाएं। अपने दिन की शुरुआत इरादे से करें। बिस्तर से उठने से पहले अपनी मानसिकता को सेट करने के लिए कुछ समय निकालें। खुद को याद दिलाएं कि आप आज होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर से सोचने की कला का अभ्यास करें। जब किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो खुद से पूछें, यहां अवसर क्या है। बेचैनी को एक शिक्षक के रूप में अपनाएं। जब आप ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो आपको आपके आराम क्षेत्र से बाहर धकेलती हैं, तो खुद को याद दिलाएं कि यहीं से विकास होता है। इन प्रथाओं को अपने दैनिक जीवन में लगातार लागू करने से आप एक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। जो चुनौतियां कभी कठिन लगती थीं, वे विकास के अवसर बन जाती हैं। यह क्रिया में एपिक्टेटस के दर्शन की शक्ति है। जीवन अनिवार्य रूप से हमारे रास्ते में मुश्किलें लाता है। एपिक्टेटस की शिक्षाएं हमें इन चुनौतीपूर्ण समयों को अनुग्रह और लचीलापन के साथ नेविगेट करने के लिए एक शक्तिशाली रूपरेखा प्रदान करती है। सबसे पहले याद रखें कि यह घटना स्वयं नहीं है जो हमें परेशान करती है, बल्कि उसके बारे में हमारा निर्णय है। एपिक्टेटस ने कहा, पुरुष चीजों से परेशान नहीं होते हैं बल्कि उन विचारों से परेशान होते हैं जो वे उनके बारे में सोचते हैं। कठिन परिस्थिति का सामना करने पर रुके और अपने विचारों की जांच करें। क्या आप स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं
या आप उसमें निर्णय और भावना की परतें जोड़ रहे हैं। उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में, चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमेशा ऐसे पहलू होते हैं जो आपके नियंत्रण में होते हैं। आपके विचार, आपका दृष्टिकोण, आपके कार्य। विपरीत परिस्थितियों को विकास के अवसर के रूप में देखें। हर चुनौती सद्गुण का अभ्यास करने, अपने चरित्र को मजबूत करने, कुछ नया सीखने का मौका होती है। याद रखें, विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाना कभी भी कठिनाइयों का सामना न करने के बारे में नहीं है। यह उन कठिनाइयों को अनुग्रह और उद्देश्य के साथ नेविगेट करने के लिए आंतरिक शक्ति और ज्ञान विकसित करने के बारे में है। एपिक्टेटस के दर्शन को अपनाने और स्टोइक लचीलापन विकसित करने से हमारे जीवन में गहरा लाभ हो सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आप तनाव और चिंता में उल्लेखनीय कमी देखेंगे। जब आप वास्तविकता का विरोध करना बंद कर देते हैं और जीवन की घटनाओं के साथ बहना सीख जाते हैं, तो आप आंतरिक अशांति के एक प्रमुख स्रोत को खत्म कर देते हैं। आप खुद को अप्रत्याशित परिवर्तनों या असफलताओं से कम परेशान पाएंगे। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी शांति बनाए रखने में सक्षम होंगे। एक और फायदा भावनात्मक बुद्धिमत्ता में वृद्धि है। जैसे जैसे आप अपने विचारों और निर्णयों को देखने का अभ्यास करते हैं, आप अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की अधिक समझ विकसित करेंगे। यह आत्म जागरूकता बेहतर रिश्तों, बेहतर निर्णय लेने और आंतरिक शांति की गहरी भावना पैदा कर सकती है। आप उत्पादकता और फोकस में भी वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को उस चीज पर केंद्रित करके जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं और जिसे आप नहीं कर सकते उसे छोड़कर, आप काल्पनिक चीजों के बारे में चिंता करने या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करने में कम समय बर्बाद करेंगे। यह उद्देश्य की भावना एक गहरी और स्थायी संतुष्टि ला सकती है जो क्षणिक सुखों या उपलब्धियों से परे है। स्टोइक मानसिकता विकसित करना ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाती है। यह अभ्यास और प्रतिबिंब की आजीवन यात्रा है, लेकिन ऐसे विशिष्ट कदम हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में इस मानसिकता को विकसित करने के लिए उठा सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से शुरुआत करें। अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं की जांच करने के लिए प्रत्येक दिन समय निकालें। खुद से पूछें, क्या मैं उस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं? क्या मैं स्थितियों में अनावश्यक निर्णय जोड़ रहा हूं? नकारात्मक दृश्य का अभ्यास करें। प्रत्येक दिन कुछ मिनट यह सोचने में बिताएं कि आपके द्वारा मूल्यवान चीज के बिना जीवन कैसा होगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कोई प्रियजन। बेचैनी को गले लगाओ। नियमित रूप से ऐसे काम करें जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेले। ये ठंडे पानी से नहाना, एक दिन के लिए उपवास करना या किसी अजनबी से बातचीत शुरू करने, जितना आसान हो सकता है। स्वैच्छिक कठिनाई का अभ्यास करें। कभी कभी उस चीज के बिना जाना चुने जिसका आप आमतौर पर आनंद लेते हैं। यह अभ्यास आपको आपके पास जो कुछ है उसकी सराहना करने में मदद करता है और आपको याद दिलाता है कि आप कम से कम संतुष्ट रह सकते हैं। लगातार अभ्यास से आप खुद को अधिक लचीला, अधिक आभारी और जीवन में जो कुछ भी लाता है उसके साथ अधिक शांतिपूर्ण पाएंगे। जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन क्या होगा अगर हम इन चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि अवसरों के रूप में देख सकें? यह एपिक्टेटस के शिक्षण का सार है। चुनौतियां अपरिहार्य हैं। वे इस बात का संकेत नहीं है कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है। वे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हम चुनौतियों का विरोध करने में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर सकते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग उनसे सीखने के लिए करना शुरू कर सकते हैं। चुनौतियों को शिक्षक के रूप में देखने की कोशिश करें। हर कठिन परिस्थिति में हमें कुछ न कुछ सिखाने को होता है, चाहे वह अपने बारे में हो, दूसरों के बारे में हो या अपने आसपास की दुनिया के बारे में हो। याद रखें कि चुनौतियों पर काबू पाने से ताकत मिलती है। जैसे वजन उठाने से शारीरिक शक्ति का निर्माण होता है, वैसे ही कठिनाइयों पर काबू पाने से मानसिक और भावनात्मक शक्ति का निर्माण होता है। चुनौतियों को स्वीकार करके आप न केवल समस्याओं को हल कर रहे हैं, आप एक व्यक्ति के रूप में अपने स्वयं के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। एपिक्टेटस के दर्शन को समझना एक बात है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना ही असली परिवर्तन है। छोटी शुरुआत करें।
अपनी पूरी मानसिकता को रातों रात बदलने की कोशिश न करें। अपने जीवन में एक छोटी सी चुनौती का चयन करके और उस पर एपिक्टेटस की शिक्षाओं को लागू करके शुरुआत करें। हो सकता है कि यह आपका सुबह का आना जाना हो, एक कठिन सहकर्मी हो या घर का कोई काम हो जो आपको नापसंद हो। इस स्थिति को फिर से परिभाषित करने का अभ्यास करें और इसके भीतर अवसर की तलाश करें। एक स्टोइक डायरी रखें। प्रत्येक दिन के अंत में इस बात पर विचार करने के लिए कुछ मिनट निकालें कि आपने स्टोइक सिद्धांतों को कैसे लागू किया। अनुस्मारक बनाएं। स्टोइक उद्धरणों को उन जगहों पर रखें जहां आप उन्हें नियमित रूप से देखेंगे। अपने फोन के वॉलपेपर पर, अपने घर के चारों ओर स्टिकी नोट्स पर या अपने कैलेंडर पर अलर्ट के रूप में। एक जवाबदेही भागीदार खोजें। अपनी यात्रा को किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। उन चुनौतियों पर चर्चा करें जिनका आप सामना कर रहे हैं और आप स्टोइक सिद्धांतों को कैसे लागू कर रहे हैं। याद रखें, लक्ष्य पूर्णता नहीं है। समय और अभ्यास के साथ आप पाएंगे कि ये सिद्धांत आपके जीवन के दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। जैसे ही आप एपिक्टेटस की शिक्षाओं को अपने जीवन में एकीकृत करना शुरू करते हैं, आप कुछ उल्लेखनीय देख सकते हैं। सकारात्मक बदलाव केवल आपको प्रभावित नहीं करते हैं, वे आपके रिश्तों, आपके काम और आपके समुदाय को प्रभावित करते हुए बाहर निकलते हैं। अपने व्यक्तिगत संबंधों में आप पा सकते हैं कि आप एक शांत उपस्थिति बन जाते हैं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दृष्टिकोण बनाए रखने की आपकी क्षमता तनाव को दूर करने और समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। दोस्त और परिवार जीवन की चुनौतियों के प्रति आपके संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण के प्रति आकर्षित होकर सलाह के लिए आपके पास आना शुरू कर सकते हैं। काम पर आपके बढ़ते लचीलापन और फोकस से बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। आप तनाव को संभालने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे, परिवर्तन के प्रति अधिक अनुकूल होंगे और चुनौतियों का सामना करने में अधिक समाधानोन्मुखी होंगे। स्टोइसिज्म का रिपल प्रभाव एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक वातावरण बना सकता है। इस यात्रा को अपनाएं और सकारात्मक प्रभाव को प्रकट होते हुए देखें।